नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 13 नवंबर 2021 को जो एग्जाम होना है दो चरणों में, उससे संबंधित जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस प्रवेश पत्र में कुछ त्रुटियां हैं जैसा आप लोगों ने हमें अवगत कराया कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। और ये मेन प्रॉब्लम जो देखने को हमें मिल रही है, पुरुष अभ्यर्थी जो है उनके प्रवेश पत्र में देखने को मिल रही है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके जेंडर के कॉलम में मेल की जगह फीमेल अंकित हो गया है। हालांकि जो महिला अभ्यर्थी उनके साथ ऐसा मुझे अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया है कि उनके साथ कोई दिक्कत है जेंडर को लेकर फीमेल की जगह मेल आ रहा हो, ऐसा नहीं है। तो केवल पुरुष अभ्यर्थी उनके साथ ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उनका प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो इन दोनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण प्रवेश पत्र है जिसमें जेंडर की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें क्या था कि पहले मेरा ये अनुमान था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है कि जब आपने आवेदन किया है हो तो उस समय गलती से मेल की जगह फीमेल हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से जितने लोगों से मेरी बात हुई सब लोगों ने मुझे यही बताया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जेंडर सही भरा है, जबकि जो प्रवेश पत्र है उसमें जेंडर गलत आ रहा है। तो इसके लिए जो मेरे पास अभी तक का अपडेट है, जो मेरी बात हुई है बहुत सारे अभ्यर्थियों से, जो मेरे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मंडे को रात तक आप एक बार फिर से प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कीजिएगा, आपका प्रवेश पत्र सही हो जाएगा। यानी जो जेंडर की प्रॉब्लम मिसप्रिंट है वो सही होकर फिर से आपका प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मंडे रात तक थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बाद आपका सही प्रवेश पत्र आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपकी समस्या बनी रहती नहीं सॉल्व होती तब आपको क्या करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना होगा कि जो एडमिन की वेबसाइट है वो क्या वेबसाइट मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, उस पर आपको मेल करना होगा। और मेल करते समय आपको आपको जो प्रवेश पत्र है प्लस आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों को आपको अटैच करके मेल करना है। प्रूफ के लिए आपको दोनों अपना अटैच करके भेजना है, दो स्टेप हो गए। उसके बाद तीसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं सही होता है, वैसे तो देखिए अपने आप सही हो जाएगा, अगर उसके बाद भी नहीं सही होता तो फिर आपको क्या करना है कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे 13 नवंबर को, तो उस दिन आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी भी आप एक प्रति अपने साथ जरूर ले जाइएगा, जिससे किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको ना करना पड़ सके। तो अब सबसे पहले तो हम आपको ईमेल आईडी चलिए दिखा देते हैं जहाँ पर आपको मेल करना है, और उस कॉन्टैक्ट नंबर से भी आपको अवगत करा देंगे जहाँ पर आप जो है कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें लास्ट मोमेंट में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सही तरीके से, तो आप सार्थक क्लासेज ऐप के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहा है कि जो प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया वो आपके पाठ्यक्रम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, और पूरी पूरी हमने कोशिश की है कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको शामिल किया जाए। आज की डेट में लगभग 50 टेस्ट के आसपास होंगे, तो आई होप कि ये पर्याप्त होगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आप सबसे पहले ईमेल आईडी देख लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है admin@upshc2021.co.in। इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा, लेकिन मेल कब करना है आपको एक दिन बाद मंडे के बाद ही आपको करना, पहले मंडे तक आपको वेट करना है, एक बार फिर से आपको डाउनलोड करने का प्रयास करना है। या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जो है 9289144891, तो ये मोबाइल नंबर है जहां पर आप बात कर सकते हैं। बाद भी आपको आप करेंगे वर्किंग डे में, यानी सुबह 10 से 5 के बीच में आप कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसमें भी आप कॉल कीजिएगा मंडे के बाद में, क्योंकि वहाँ पर कार्य हो रहा है, इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि मंडे रात तक आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। और तो ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है। सेम समस्या देखिए पहले चरण में भी थी, और हालांकि 1700 समथिंग अभ्यर्थियों को चांस दिया गया था, और जो जानकारी थी ये थी कि इससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हुए थे। तो ऐसी दिक्कत आने के देखिए दो रीज़न है। पहला ये है कि आपने जो अपना फॉर्म सबमिट किया है उसमें कहीं त्रुटि रह गई हो, कोई बिग मिस्टेक ऐसी मिस्टेक रही हो जिसके कारण आपको एडमिट कार्ड ना जारी किया जा सकता हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट किया था, जो भी जानकारी आपने भरी थी उसको आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं है।
और दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि देखिए जब UPSC में फॉर्म हम अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे एक प्रोसेस था कि आपको पेमेंट करना, आप पहले तो एप्लीकेशन भरना था, फिर उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करना था, और पेमेंट करने के बाद दूसरे दिन जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल रहा था पेमेंट का, उस नंबर को सबमिट करना था 24 घंटे बाद, और फिर से एक बार सही तरीके से आपको सबमिट कर देना था। तो जिन अभ्यर्थियों ने ऐसा नहीं किया था उनका भी जो प्रवेश पत्र था वो डाउनलोड, या ऐसे भी अभ्यर्थियों का जो प्रवेश पत्र था वो जारी नहीं किया गया था, और संभवतः ऐसा इस बार भी है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उससे के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, और आपको फिर से चल के दिखा देते हैं कि किस प्रोसेस को फॉलो करके आप ये जान सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं। तो देखिए इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है upsc2021.co.in पर। कैसे आप करेंगे, आप दाहिने साइड में देखिए ये थोड़ा सा लाल कलर में आ रहा है लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे तो आप अपना जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देखिए अगर आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भूल भी गए हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी प्रिंट होगी। तो आप अगर आप भूल गए, आपको सही से याद नहीं है, तो आप एक बार जो है अपना एप्लीकेशन देख लीजिएगा, आपने प्रिंट लेके रखा होगा वहाँ पर लिखी होगी ईमेल आईडी, वो इसमें लॉगिन में जाके सबमिट कीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, पोर्टल ओपन होके इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो हरी वाली लाइन है इसके दाहिने किनारे पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस, आप एप्लीकेशन प्रोसेस में क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको मैक्स दो बॉक्स दिखेंगे, एक देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर या तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा होगा और या तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ रहा होगा, पे नाउ आ रहा होगा, या फिर यहाँ पर आपकी PDF आ रही होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, किस तरह की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से आ रहा होगा, या तो पहले मैंने जो स्क्रीन दिखाया है वहाँ पर आ रहा होगा पे नाउ करके, या फिर आ रहा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर ये इस तरीके से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में डाउनलोड PDF, तो निश्चित तौर पर आपको जो प्रवेश पत्र है वो जारी होगा। और अगर यहाँ पर PDF नहीं शो हो रही है तो इसका मतलब है कि या तो आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या जो बिल्कुल फाइनल स्टेप था जो आपको चालान नंबर डाल के जो आपका पेमेंट डिटेल थी वो सबमिट करना था 24 घंटे के बाद फिर से, वो उस प्रोसेस को आप भूल गए हैं। तो अगर आप उस प्रोसेस को भूल गए हैं तो बहुत कम संभावना है कि आपका प्रवेश पत्र जारी हो। हालांकि देखिए अभी एक चांस और भी है, आप अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो भी आप चाहें तो 1 से 2 दिन का आप वेट कर सकते हैं। रीज़न था कि पिछली बार कुछ प्रवेश पत्र ऐसे जारी किए गए थे जिन लोगों का शायद पेमेंट जो है प्रोसीड हो गया था, और देखिए परमिशन दी थी उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, नोटिस आई थी 1700 समथिंग लोगों की, तो हो सकता है कि आपको कंसीडर कर लिया जाए, लेकिन इसके विषय में कुछ भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी, अभी तक मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध थी वो मैंने आपसे शेयर की, हालांकि इस पूरे मैटर पर मेरी नज़र बनी हुई है, और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी, जो भी सटीक जानकारी होगी, जैसे आप लोग जानते हैं कि सार्थक क्लासेस में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, हमारा प्रयास रहता है कि जानकारी ऑथेंटिक हो और आपका समय बर्बाद न किया जाए, आपको किसी भी तरीके से भ्रमित न किया जाए। तो जो भी मेरे पास सही जानकारी होगी वो मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। हालांकि अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपकी कॉल ना उठे, फ़ोन मेरा हमेशा साइलेंट में रहता है क्योंकि कॉल्स का जो फ्लो होता है वो बहुत अधिक होता है, और आप भी समझ सकते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे लिए अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनका भी निर्वहन करना होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसे अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं प्रयास करूँगा कि मैं उसको जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।